प्रिय छात्रों नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों आज हम लोग चालू करेंगे प्रश्नावली 5G क्लास 12 का MIT है जो उत्तर प्रदेश की है। तो अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी क्या करें कि बोर्ड एग्ज़ाम का बढ़िया तरीके से बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्नावली 5G। देखिए अगर आप पीछे का प्रश्नावली नहीं पढ़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, आपको सारा क्लास 12 का कई बार मैथ मिल जाएगा जितना हम लोग पीछे पढ़े हैं उसका सारा वीडियो। 10 का पढ़ना चाहते हैं तो 10 का भी प्लेलिस्ट है, 11 का भी है, 12 का भी है, 9 का भी है, 8 का भी है। तो आपके घर पर जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं या पढ़ने वाले हैं उन्हें बता दीजिए या पढ़ाइए, आप ही खुद पढ़ाइए, ज़रूरी नहीं है कि हर हमेशा मोबाइल से ही वो पढ़े। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 1। देखिए प्रश्न संख्या 1 से 10 में दिए गए फलनों से d/dx ज्ञात कीजिए। d/dx क्या करना है दोस्तों हम लोग को ज्ञात करना है। देखिए d/dx कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों हम लोग, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, रिस्पेक्ट टू x, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए कितना हो जाएगा हम लोग का, बोलिए d/dx लिखेंगे x²/a² फिर d/dx लिखेंगे y²/b² बराबर d/dx लिखेंगे और 1 लिख देंगे। दोनों पक्ष को क्या किए हैं दोस्तों कि अवकलन हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए इसमें अचर पद क्या है दोस्तों, तो 1/a² हम लोग का अचर पद हो गया। d/dx कितना हो जाएगा, x² हम लोग का बच जाएगा। इसमें अचर पद क्या है दोस्तों, y को छोड़कर y का भी अब करना है अवकलन, यानी ये भी अचर पद नहीं हम लोग का कहलाएगा सारा, क्योंकि y हम लोग का y का भी हम लोग अवकलन अब करेंगे। 1/b² अचर पद हो जाएगा, d/dx y² अब बोलिए अचर पद का तो अवकलन 0 होता है, यहाँ से बोलिए 1/a², x² का अवकलन क्या होगा दोस्तों हम लोग का 2x होगा, 2 आगे आएगा उसमें से घटेगा प्लस, यहाँ पर बोलिए 1/b², y² का अवकलन क्या होगा दोस्तों कि 2 आगे आएगा और उसमें से घटेगा, अब फिर y का करते हैं हम लोग अवकलन, यानी d/y कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का dx। बस यहीं पर ध्यान देना है, बाकी सब हम लोग का दोस्तों वही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब वैसा ही करना है। y का जब भी आए तो y का पहले कर लेंगे जिस तरह x का अवकलन करते हैं, फिर d/dx लगा देंगे उसके बाद में। अब कितना हो जाएगा दोस्तों, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए 2x/a², ये कितना हो जाएगा 2y/b² और ये कितना दोस्तों हम लोग का d/dx बराबर 0। अब कितना हो जाएगा बोलिए कि d/dx का वैल्यू निकालना है, यानी ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का फंक्शन उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, यानी 2y/b² d/dx −2x/a². अब क्या कर देंगे दोस्तों कि जो भाग में है उसको गुणा में कर देंगे, जो गुणा में है वो भाग में हो जाएगा, d/dx कितना हो जाएगा बोलिए −2x/b² और a²(2y), 2 को आगे कर देंगे कोई दिक्कत नहीं तो यहीं पर भी छोड़ देंगे तभी भी हम लोग का वो आंसर सही है। 2d/dx क्या लिख देंगे, 2 से 2 हम लोग का कट जाएगा, −xb² बट्टे में कितना दोस्तों हम लोग का y a², यही क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम लोग का प्रश्न नंबर 2, x³+y³=3xy है। देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, बोलिए d/dx लगा देंगे, x³d/dx y³, बोलिए d/dx 3a xy, बोलिए इसमें अचर पद नहीं है, एक बार और लिखेंगे d/dx x³ d/dx y³
इधर बोलिए दोस्तों हम लोगों का कि ये अचर पद है 3a, एक्स वाई को छोड़कर ये अचर पद हो जाएगा तो अचर पद बाहर आ जाता है यानी आगे आ जाता है एक्स वाई। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, एफ एक्स जी एक्स को करेंगे हल। इसका अवकलन कितना हो जाएगा कि 3 आगे आएगा उसमें से घटेगा, इसका भी अवकलन क्या होगा दोस्तों 3 आ गया है उसमें से घटेगा, और वाई के साथ क्या लिख सकते हैं, वाई का अवकलन कर देने के बाद क्या करते हैं दोस्तों डी बाई डी एक्स लगा देते हैं बराबर। अब कितना हो जाएगा दोस्तों 3a, बोलिए एफ एक्स बाहर होता है, एक्स बाहर डी बाई डी एक्स, फिर क्या दोस्तों हम लोग का वाई बाहर, एक्स का अवकलन क्या होगा हम लोग का एक होगा, यहाँ से बोलिए अब कितना हो जाएगा 3x² 3y² डी वाई कितना दोस्तों हम लोग का डी एक्स, गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 3ax डी वाई कितना दोस्तों हम लोग का डी एक्स, 3a का वाई में गुणा करेंगे वाई एक में वाई होगा 3ay हो जाएगा। देखिए डी वाई डी एक्स वाले को एक तरफ और जो बचेगा उसको एक तरफ, 3y² डी वाई डी एक्स बोलिए -3ax डी वाई डी एक्स बराबर 3ay, और 3x² को इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा हम लोग का -3x². देखिए दोस्तों ये में डी बाई डी एक्स कामन कर लेंगे तो क्या बचेगा हम लोग का, हम लोग का बचेगा 3y² -3ax बराबर 3ay -3x². अब ये गुणा में है इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा हम लोग का उत्तर हो जाएगा, यानी डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे दोस्तों हम लोग 3ay -3x² और बटे में कितना दोस्तों हम लोग का 3y² -3ax, 3 कामन करके कटा देंगे ऊपर और नीचे से दोनों में से क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का ay -x², यहाँ बोलिए y² -ax, ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम लोग का प्रश्न नंबर 14, तीसरा हम लोग का नहीं है दोस्तों, तीसरा पहले हल करेंगे यानी पाना पलटेंगे हम लोग। बोलिए देखिए तीसरा कितना हम लोग का, तो ax² है प्लस हम लोग का 2hxy है, by² है 2gx है प्लस 2fy प्लस c बराबर कितना है दोस्तों हम लोग का 0 है। एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे दोस्तों हम लोग, देखिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना होगा हम लोग का, बोलिए लिखेंगे डी बाई डी एक्स या पहले लिख भी देंगे क्या लिखेंगे हम लोग कि लिखेंगे हम लोग कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, या इंग्लिश में लिख देंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये कितना दोस्तों हम लोग का ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर कितना दोस्तों हम लोग का 0। इधर का भी अवकलन कर देंगे डी बाई डी एक्स और क्या दोस्तों हम लोग का 0। देखिए अवकलन करेंगे तो दोस्तों सब में डी बाई डी एक्स लगा देंगे, डी बाई डी एक्स बोलिए ax² डी बाई डी एक्स 2hxy प्लस डी बाई डी एक्स by² डी बाई डी एक्स 2gx डी बाई डी एक्स 2fy प्लस डी बाई डी एक्स सी बराबर, इसका अवकलन तो 0 हो जाएगा दोस्तों, अंक का अवकलन 0 होता है, 0 का भी अवकलन 0 हो जाएगा। अब बोलिए ये अचर पद हो जाएगा, x² का अवकलन क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 2x हो जाएगा, यहाँ से बोलिए 2h हम लोग का क्या हो जाएगा दोस्तों अचर पद हो जाएगा xy के सापेक्ष, xy का f(x) हल करते हैं दोस्तों x डी बाई डी एक्स, बोलिए f(x) बाहर y का अवकलन, y बाहर x का अवकलन क्या होगा दोस्तों एक होगा, एक से गुणा कराएंगे तो यही होगा हम लोग का, इसमें बोलिए b अचर पद हो जाएगा, y² का करेंगे कितना हो जाएगा 2y और dy कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का dx, यहाँ पर बोलिए 2g क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का अचर पद हो जाएगा, x का अवकलन क्या होता है एक होता है यानी वही होगा हम लोग का, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2f अचर पद हो जाएगा, y का अवकलन क्या होगा दोस्तों हम लोग का dy dx होगा, c का अवकलन क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का 0 और ये 0, यहाँ से बोलिए दोस्तों कितना हो जाएगा हम लोग का 2ax गुणा करा देंगे हम लोग
2HX का वाई में कराएंगे 2HY, बोलिए ये कितना हो जाएगा हम लोग का 2BY DY DX, और ये कितना हम लोग का 2G+2F कितना दोस्तों हम लोग का DY DX, और ये कितना हम लोग का 0 0 जोड़ेंगे तो वही होगा हम लोग का। देखिए DY DX DY DX DY DX तीनों को जोड़ देंगे दोस्तों, यानी एक जारी लेकर हम लोग कामन कर देंगे, क्या बचेगा 2BY, यहाँ क्या बचेगा दोस्तों हम लोग का 2F, और कामन कर दिए कितना दोस्तों हम लोग का DY DX। अब देखिए जिसमें यह DY DX नहीं है उसको उधर भेज देंगे, 2AX है दोस्तों हम लोग का तब -2AX होगा, 2HY है -2HY होगा, तो माइनस कामन कर लिए हैं दोस्तों हम लोग, और +2G है तो इसको भी प्लस में लिख देंगे क्योंकि आगे माइनस लिखे हैं, सब हम लोग को उधर जाकर माइनस हो जाएगा। DY DX इक्वल टू क्या निकलेगा दोस्तों हम लोग का, तो ये गुणा में है, इधर आएगा भाग हो जाएगा, और दो ऊपर से कामन करके क्या कर देंगे हम लोग कटा देंगे, कितना हो जाएगा HY, और ये कितना हम लोग का G, बोलिए नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का HX BY, और ये कितना हम लोग का F, यही क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का तो आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथा प्रश्न दोस्तों हम लोग का, चौथा प्रश्न कितना है, क्या करेंगे लिखेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर x के सापेक्ष, कितना हो जाएगा दोस्तों 2/3 y/2/3, और इधर भी क्या कर देंगे हम लोग DY DX लिख देंगे a/2/3। अब बोलिए कितना हो जाएगा DY DX दोनों में लगा देंगे x/2/3 DY DX, y/2 कितना हम लोग का 2/3, और अचर पद का अवकलन क्या हो जाएगा दोस्तों xy को छोड़कर 0 हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 2/3 आगे आएगा, उसमें से घटेगा 2/3 माइनस कितना दोस्तों 1, यही प्रक्रिया फिर यहाँ भी होगा 2/3 आगे आएगा और उसमें से 1 घटेगा, फिर y का हो जाता है तो दोस्तों DY DX हम लोग लिख देते हैं y का अवकलन कर देने के बाद। अब बोलिए कितना होगा 2/3, 3 × 1 = 3, 3 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का -1/3 2/3, ये कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, ये भी हम लोग का -1/3 ही होगा DY DX इक्वल टू कितना दोस्तों हम लोग का 0। DY DX को इधर उसको उधर भेजेंगे कितना हो जाएगा हम लोग का, पहले 2/3 कामन करके उधर भेजेंगे 0 हो जाएगा हम लोग का, यानी बचेगा -x/1/3 y/-1/3 और DY DX इक्वल टू कितना दोस्तों हम लोग का 0। अब बोलिए y/-1/3 DY DX इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग का, ये प्लस में है इधर आ जाएगा माइनस में 1/3 DY DX इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, DY DX इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग x/-1/3 y/-1/3, एक्स और वाई को ऊपर नीचे कर देंगे दोस्तों इसका घात हम लोग का प्लस में हो जाएगा, यानी DY DX इक्वल टू क्या मिलेगा हम लोग का, DY DX इक्वल टू मिलेगा हम लोग का -y/1/3 और ये कितना दोस्तों हम लोग का x/1/3। यहाँ पर हम लोग आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो आगे भी हल कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं हम लोग का, यहाँ पर भी हम लोग का उतना ही नंबर मिल जाएगा जितना मिलता है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम लोग का प्रश्न नंबर 5, क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का, बोलिए DY DX लिखेंगे और ये सारा कोष्टक में कर देंगे 5x², 5y², 7y+3x+2 और ये कितना दोस्तों हम लोग का 0, 0 का तो करेंगे वैसे ही 0 आ जाएगा, DY DX सब में लगा देंगे दोस्तों, यानी कितना हो जाएगा DY DX 5x² DY DX 5y² -DY DX 7y
और कितना दोस्तों हम लोग का डी बाई डी एक्स थ्री एक्स और डी बाई डी एक्स टू बराबर जीरो। अब बोलिए कितना हो जाएगा हम लोग का अचर पद रहता है तो आगे आ जाता है डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर पाँच इसमें भी आगे आ जाएगा डी बाई डी एक्स कितना दोस्तों वाई स्क्वायर सात भी आगे आ जाएगा डी बाई डी एक्स डी वाई यहाँ लिख दिए दोस्तों डी बाई डी एक्स लिखना चाहिए डी वाई डी एक्स नहीं डी वाई डी एक्स डी वाई डी एक्स और यहाँ वाई बोलिए तीन आगे आ जाएगा डी बाई डी एक्स यक्स और ये कितना दोस्तों अचर पद का अवकलन जीरो हो जाता है कोई दिक्कत नहीं हम लोग का। पाँच इसका अवकलन क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का टू यक्स दो आगे आएगा उसमें से घटेगा तो एक नहीं लिखा जाता है दोस्तों इसका भी अवकलन वही होगा हम लोग का टू वाई और वाई का करते हैं दोस्तों तो वाई स्क्वायर का कर दिए हैं फिर क्या लगा देंगे डी बाई डी एक्स सात ये डी बाई कितना हो जाएगा दोस्तों डी एक्स कि सिंगल वाई है तो डी बाई डी एक्स लिख देंगे एक्स का अवकलन वन होता है दोस्तों तीन एक में कितना हो जाएगा तीन बराबर कितना हम लोग का जीरो कितना हो जाएगा दस एक्स बोलिए दस वाई डी बाई कितना हम लोग का डी एक्स माइनस सात डी बाई कितना दोस्तों हम लोग का डी एक्स प्लस तीन बराबर कितना हम लोग का जीरो। अब कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग का कि दस एक्स और थ्री को उधर भेज देंगे यानी इसमें से डी बाई डी एक्स कामन कर लेंगे तो क्या बचेगा दस वाई माइनस सात बचेगा डी बाई डी एक्स कामन कर लिए इन दोनों में से हम लोग का और इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का माइनस टेन एक्स होगा और माइनस तीन होगा ये गुणा में है इधर आएगा क्या हो जाएगा हम लोग का भाग हो जाएगा कितना हो जाएगा हम लोग का माइनस कामन कर लेंगे ऊपर से टेन वाई माइनस सात हो जाएगा यही क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी क्या करें कि अच्छे तरीके से पढ़ाई करे बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले आए बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल आप देखिए दोस्तों हम लोग का प्रश्न नंबर छ हुआ साइन एक्स वाई है प्लस एक्स बटा में वाई है एक्स स्क्वायर माइनस वाई है इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों देखिए लिखेंगे दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर साइन का अवकलन क्या होता है दोस्तों कॉस होता है और फिर एक्स वाई का क्या करेंगे दोस्तों हम लोग एफ एक्स ई एफ हल करेंगे इसे एक्स वाई वाई है दोस्तों तो इसे एफ एक्स बाई जी एक्स को हल करेंगे क्या होता है हम लोग का जी एक्स होता है एक्स का अवकलन वन होगा दोस्तों फिर एक्स बार होगा वाई का अवकलन क्या होगा दोस्तों हम लोग का डी बाई डी एक्स होता है देखिए जी एक्स एफ एक्स का अवकलन फिर माइनस होता है एफ एक्स बाहर जी एक्स का अवकलन नीचे क्या होता है जो दोस्तों हम लोग का जी एक्स का होल स्क्वायर होता है यानी वाई का क्या हो जाएगा हम लोग का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का टू एक्स हो जाएगा और वाई का कितना हो जाएगा हम लोग का डी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा हम लोग का तो हम लोग का हो जाएगा दोस्तों देखिए यहाँ से एफ एक्स इंटू जी एक्स पर करेंगे हल यानी एक्स डी बाई डी एक्स प्लस वाई हो जाएगा हम लोग का ये कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोग वाई से क्या करेंगे वाई स्क्वायर से हम लोग कि इसका एल सी एम ले लेंगे यानी सब में यहाँ भी एक लिख देंगे दोस्तों वाई स्क्वायर का इसमें गुणा होगा एक्स वाई स्क्वायर आ गया है और कॉस एक्स वाई से क्या कर दिया है दोस्तों कि इसमें गुणा कर दिया है पहले तो क्या करेंगे दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पहले हम लोग क्या करेंगे कि गुणा कर देंगे कॉस एक्स वाई से इन दोनों फंक्शनों में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे उसके बाद से क्या करेंगे दोस्तों वाई स्क्वायर से गुणा कर देंगे दोनों में फिर इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का किसी वाई स्क्वायर को इधर लिया कर हम लोग गुणा कर देंगे टू एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा और इसमें करेंगे वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स हो जाएगा क्या करेंगे दोस्तों डी बाई डी एक्स वाले को सभी को एक तरफ करेंगे इधर डी बाई डी एक्स सब एक जगह लिखेंगे और डी बाई डी एक्स कामन कर लेंगे क्या बचेगा हम लोग का एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर और जितना जिसमें हम लोग का डी बाई डी एक्स नहीं रहेगा सबको इधर भेज देंगे हम लोग राइट साइड और अब क्या करेंगे दोस्तों कि जो गुणा में रहता है उसे भाग में करते हैं ये कहाँ चला जाएगा भाग में और हम लोग का उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी बाई डी एक्स का यही। अब देखिए प्रश्न नंबर सातवा दोस्तों हम लोग का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस लाग एक्स वाई क्या करेंगे इसका अवकलन करेंगे हम लोग
तो लिखेंगे दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है दोस्तों 2x, वाई स्क्वायर का अवकलन क्या होता है दोस्तों 2y, और वाई क्या करते हैं तो वाई के ख़त्म हो जाने के बाद अवकलन क्या करते हैं दोस्तों हम लोग डी वाई डी एक्स लगा देते हैं। अब लाग एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं दोस्तों इंटू में हम लोग का तो लाग एक्स प्लस लाग वाई लिख सकते हैं। लाग एक्स का अवकलन क्या होता है दोस्तों 1x होता है, लाग वाई का अवकलन 1y, और डी वाई डी एक्स लिख देंगे। डी वाई डी एक्स वाला फंक्शन क्या कर देंगे दोस्तों एक तरफ कर देंगे और कामन कर लेंगे। कामन करेंगे तो क्या होगा दोस्तों हम लोग का 2xy² माइनस एक्स बचेगा, और जिसमें हम लोग का डी बाई डी एक्स नहीं है उसको क्या करेंगे हम लोग उधर भेज देंगे। तो y माइनस कितना हो गया दोस्तों 2x² y, ये गुणा में दोस्तों इसको भाग कर देंगे हम लोग का उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों हम लोग का प्रश्न नंबर आठवा क्या है दोस्तों हम लोग का एक्स साइन 2y बराबर y कास टू एक्स, इसका हम लोग क्या करना है कि डी बाई डी एक्स निकालना है। लिख देंगे दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, या लिख देंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख देंगे। देखिए इसको क्या करेंगे दोस्तों हम लोग एफ एक्स जी एक्स पर हल करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा हम लोग का बोलिए एक्स बाहर एफ एक्स यानी एक्स बाहर हो जाएगा, साइन 2y का अवकलन क्या हो जाएगा दोस्तों कास 2y, और क्या हो जाएगा दोस्तों फिर 2y का अवकलन करेंगे तो 2 होगा, और y का करेंगे तो दोस्तों डी बाई डी एक्स हो जाएगा। फिर जी एक्स बाहर एक्स का अवकलन करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा हम लोग का 1 हो जाएगा। इसी को एफ एक्स जी एक्स पर क्या किया दोस्तों हल किए तो इतना हम लोग का आया है। अब देखिए इसको भी एफ एक्स जी एक्स पर हल करेंगे पहले वाले दूसरे वाले फंक्शन को, तो वाई बाहर क्या होता है दोस्तों हम लोग का या कास 2x बाहर कर देंगे, y का अवकलन कर देंगे, डी बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस। अब क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का कि कास को बाहर किए थे y को अंदर किए थे, अब क्या करेंगे दोस्तों y को बाहर करेंगे और कास 2x का अवकलन करेंगे, कास 2x का अवकलन माइनस साइन 2x होगा, और 2x का अवकलन क्या होगा दोस्तों हम लोग का 2 होगा। ये वही किया है हम लोग का। देखिए डी बाई डी एक्स वाला फंक्शन एक तरफ और जिसमें हम लोग का डी बाई डी एक्स नहीं हो उसको एक तरफ, ये माइनस है इधर आएगा क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा, और हम लोग का यहाँ पर साइन 2y बचा था क्या कर देंगे दोस्तों ये गुणा में है इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, और इसी को क्या कर देंगे दोस्तों या करके सीधा लिख देंगे उत्तर हो जाएगा हम लोग का। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 हम लोग का वाई सेक एक्स माइनस वाई स्क्वायर का सेक्स प्लस 2x है, इसका क्या कर देंगे आप लोग कि बढ़िया तरीके से आप लोग इसे हल कर लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं हम लोग का। एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, डी बाई डी एक्स वाला फंक्शन एक जगह लिख कर माइनस से गुणा करा देंगे, और क्या कर देंगे कि डी बाई डी एक्स कामन करके उधर भाग कर देंगे हम लोग का उत्तर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों हम लोग का प्रश्न नंबर दसवा क्या है, तो ई पावर एक्स लाग वाई है और बराबर साइन इनवर्स एक्स है प्लस साइन इनवर्स वाई है, इसको क्या करेंगे दोस्तों एफ एक्स जी एक्स पावर करेंगे, ई पावर एक्स क्या हो जाएगा हम लोग का एफ एक्स मानेंगे इसे, और लॉग लाग वाई को क्या मानेंगे जी एक्स। एफ एक्स बाहर होता है तो लाग वाई का अवकलन क्या हो जाएगा दोस्तों 1y हो जाएगा, और वाई का क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ तक तो हो गया हम लोग का, फिर लाग वाई बाहर होगा तो ई पावर एक्स का अवकलन ई पावर एक्स से होता है, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है दोस्तों 1y अंडर रूट में 1 - x² साइन इनवर्स वाई का अवकलन क्या होता है दोस्तों हम लोग का तो 1y अंडर रूट में 1 - y², और y का करते हैं तो दोस्तों डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स वाला फंक्शन एक तरफ कामन करके इधर डिवाइड कर देंगे क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का आंसर हो जाएगा यही। अब देखिए दोस्तों हम लोग का प्रश्न नंबर 11 का पहला क्वेश्चन, 11 का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि इतना बराबर एक दिया है तो सिद्ध करना कि इतना बराबर इतना हम लोग का होगा। देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर थोड़ा मान जाएंगे एक्स बराबर साइन ए और वाई बराबर कितना दोस्तों हम लोग का साइन बी मान गए दोस्तों, और इसमें क्या करेंगे हम लोग रख देंगे समीकरण में इक्वेशन में रख देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1 - sin² कास स्क्वायर ए का फार्मूला होगा तो कास ए बाहर निकल जाएगा, 1 - sin² कास स्क्वायर बी का फार्मूला होगा कास बी बाहर निकल जाएगा, साइन ए इंटू कास बी कास ए इंटू साइन बी किसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का होता है दोस्तों बराबर एक हम लोग का, यानी साइन को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक हो जाएगा, साइन कितने का मान एक होता है दोस्तों तो साइन π/2 का होता है, साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा हम लोग कट जाएगा ए प्लस बी बराबर π/2 हो जाएगा, ए का मान रख देंगे फिर ए का मान कितना हो जाएगा दोस्तों साइन इनवर्स एक होगा,
और बी का मान कितना होगा दोस्तों, साइन इनवर्स वाई होगा। यहाँ से क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोग की अवकलन कर देंगे दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा दोस्तों, वन बाई अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। वाई का अवकलन क्या हो जाएगा, वन बाई अंडर रूट में वन माइनस वाई स्क्वायर और डी बाई डी एक्स। और सर पद का अवकलन क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो। इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। इसको डिवाइड कर देंगे, ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा दोस्तों, नीचे का नीचे गुणा हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का कि आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आंसर हम लोग का नहीं आया होगा दोस्तों हम लोग का, लेकिन यहाँ पर हम लोग को देखिए, यहाँ पर हम लोग का सिद्ध हो गया। यहाँ पर से दूसरा हम लोग का सवाल सिद्ध करना था तो दूसरा हम लोग का यहाँ पर लिख दिया है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। देखिए दूसरा सवाल हम लोग का ये है, तो इसमें भी क्या करेंगे, एक्स क्यू बराबर साइन ए मान जाएंगे और वाई क्यू बराबर साइन बी मान जाएंगे। हल कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग का आंसर सीध हो जाएगा। लास्ट में लिया कर आप लोग देख लीजिएगा कैसे हल हुआ है। देखिए अब देखिए दोस्तों हम लोग का प्रश्न नंबर 12, ई पर पावर एक्स प्लस ई पर पावर वाई इक्वल टू ई पर पावर एक्स प्लस वाई। तो सीध कीजिए कि डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ई टू द पावर वाई माइनस एक्स। क्या करेंगे दोस्तों कि ई पर पावर एक्स प्लस वाई से क्या कर देंगे, दोनों तरफ भाग कर देंगे। तो दोनों तरफ भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, ई पर पावर माइनस वाई बच जाएगा जहाँ एक्स है, और क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का, ई पर पावर माइनस एक्स हो जाएगा जहाँ वाई है। और ई पर पावर एक्स प्लस वाई से ई पर पावर एक्स प्लस वाई में भाग देंगे, कितना होगा दोस्तों हम लोग का, वन हो जाएगा। अब ये कैसे भाग दिए हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ई पर पावर एक्स प्लस वाई है तो ई पर पावर एक्स में ई पर पावर एक्स प्लस वाई से भाग देंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई पर पावर एक्स इंटू ई पर पावर वाई। अब देखिए दोस्तों इस तरह हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे का अगर आधार बराबर रहता है तो ऊपर का जोड़ देते हैं, ई पर पावर एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ई पर पावर एक्स से ई पर पावर एक्स कट गया है, ई पर पावर वाई को वाई ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा हम लोग का, ई पर पावर माइनस वाई हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग करके हल कर देंगे, और ई पर पावर वाई की जगह पर क्या बचेगा दोस्तों, ई पर पावर वाई से ई पर पावर वाई कट जाएगा, ई पर पावर माइनस एक्स होगा, क्योंकि ई पर पावर एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। और इधर का देख होगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे दोस्तों, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, बोलिए ई पर पावर माइनस वाई का अवकलन ई पर पावर माइनस वाई ये होगा, और वाई का अवकलन करेंगे दोस्तों तो माइनस वाई है, माइनस वाई का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस डी वाई डी एक्स हो जाएगा। ई पर पावर माइनस एक्स का अवकलन ई पर पावर माइनस एक्स होगा दोस्तों, और माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस वन, गुणा कराएंगे माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा। वन का अवकलन जीरो होता है दोस्तों, इसको क्या करेंगे, गुणा में है, इधर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा हम लोग का, और ऊपर ले जाएंगे तो ई पर पावर का हो जाएगा हम लोग का इंटू में प्लस हो जाएगा, यानी ई पर पावर माइनस एक्स है इंटू ई पर पावर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का प्लस, और माइनस में होगा, माइनस हम लोग का चिन्ह वैसा ही है, माइनस को इधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा हम लोग का। इसको हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं कि नीचे का जब बेस बराबर आता है गुणा में तो क्या करते हैं हम लोग, ये कर नीचे का लिखते हैं ऊपर का वैसे ही उतार देते हैं, तो वाई को आगे लिख देंगे और एक्स को क्या करेंगे दोस्तों पीछे लिख देंगे, तो हम लोग का सीध हो जाएगा। तो ये प्रश्नावली क्या हो गया दोस्तों, इसी सवाल के साथ ख़त्म हो गया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी क्या करें कि अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से पढ़ सके। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।